जय गुरु जी। आंटी जी नमस्ते। हाँ जी हाँ जी। मंथन के घर आ गए हैं, बट अब इसकी तैयारी कर रहे हैं, इधर ये बता रहे हैं सारे बता रहे हैं सॉफ्ट बॉक्स। गाइस मजबूती देखो, मजबूती देख रहे हो गाइस, सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरबित मगु व्लॉग्स विद अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:15 और फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है गाइस कि आज आए हुए हैं घर पे फ्रेंड्स मंथन एंड हर्षित, आप इनसे पहले मिल चुके हो, बट गाइस आज ना ये काफ़ी देर से आए हुए हैं, हम मतलब बैठे हुए थे अपनी बातें वगैरह कर रहे थे तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर अभी करी नहीं थी, हम वैसे नॉर्मल बात ही कर रहे थे। तो अभी गाइस अभी का सीन कुछ ऐसे होने वाला है कि मैं जा रहा हूँ इनके घर मंथन के, और पहले हर्षित के भी जाना फिर मंथन के जाएंगे। हाँ तो गाइस अभी ना मैं लैपटॉप साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि ना मुझे ना लैपटॉप से भी कोई काम है, मतलब भाई को भी है और मुझे भी है, तो वो आपको ना आने वाले व्लॉग्स में बताएगा क्या काम है, बट गाइस पता ज़रूर लगेगा और उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना जब भी बताऊँगा। तो फिलहाल चलो आओ जल्दी से चलते हैं। चले अरे भाई मैं तो रह गया, रुक जा। अरे A few moments later. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंथन के घर, हर्षित और मैं भी आगे इकट्ठे। चले मंथन। हाँ जी चलो चलो आ जाओ। मंथन कह रहा है मैं बाहर खड़ा हूँ तुम अंदर चले जाओ, तू सही है मंथन भाई। तो गाइस मंथन और ये ऊपर रहते हैं, हम अभी ऊपर आ गए हैं मंथन के घर। मंथन ये हेलमेट संभाल लो, ये रख दो उधर। मंथन की मम्मा कुछ बना रहे हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। आंटी आंटी तो गाइस मंथन के घर आ गए। तो गाइस अभी लैपटॉप को तो फिलहाल स्लीप मोड पर रख दिया और पीछे ब्लॉग चला रखा है, और साथ में हम कर रहे हैं लंच जो कि मंथन की मम्मा ने बना रखा था पहले से ही, पुलाव रायता रोटी पनीर की भुर्जी। गाइस इधर हर्षित मैं मंथन करें मंथन स्टार्ट चलिए शुरू। गाइस आप भी खा लो। तो गाइस अभी हम खाना खाते खाते ना एक मूवी देख रहे थे तो हमने लगवा दी कंज्यूरिंग, तो बोले क्या हुआ ये गाइस अभी कैमरे में पीछे गाइस डरने लग गया, कहता मैं भाई वहाँ बैठ जाता हूँ अपना लैपटॉप उधर देख ले मैं मूवी ही नहीं देख सकता मैं गाइस, इतना डरपोक है ना हर्षित, बल्कि मंथन तो कह रहा है लगा दो लगा दो ना भाई कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं गाइस लगा दो, ये हर्षित इतना डरपोक ओए होए हर्षित उधर टाइम बताया कौन चीखेगा। तो गाइस अभी हम लंच वगैरह तो कराए, अभी हम छत पे आ चुके हैं और छत पे ना इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब धूप निकली हुई है बट हवा बहुत बढ़िया चल रही है, और यहाँ से तो गाइस व्यू भी सारे बढ़िया बढ़िया हैं, पीछे पेड़ साइड भी पीछे पेड़ ही पेड़, मतलब सही है। क्या पता कैमरे में वो चीज़ आ रही होगी जो हम दिखाना चाहते हैं, मेरे को तो नहीं लगता आ रही होगी, बट अगर आप खुद आके देखोगे ना गाइस मंथन कहेगा सबको बुला ले घर पे। बट गाइस बढ़िया सीन है यहाँ पे, और पीछे देखो गाइस बादल बूदल देखो सब बढ़िया, छत पे ही खड़े हैं अभी तो हवा बढ़िया चल रही है, अगर कैमरे में भी शायद आ रही होगी हवा की नॉइस। तो गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं छत से तो, और अभी हम मंथन के फ्लोर पे आ गए हैं, मतलब मंथन के जो मंथन का पर्सनल फ्लोर है वहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे ना गाइस अभी हमने पता नहीं शूट की कह रहे हैं तैयारी कर लेते हैं, बट वो शूट किस चीज़ का होगा वो तो आपको फ्यूचर ही पता लगेगा भाई, रहने वाला फ्यूज हो जाएगा। तो गाइस इधर ना एक शूट के लिए हमने एक कोई शूट का प्लान कर रखा है भाइयों ने, वो आपको भी नहीं बताऊंगा इन फ्यूचर ही बताऊंगा, बट अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, इधर ये बना रहे हैं और सारे हम मिलके
बता दे सॉफ्ट बॉक्स वो बना रहे गाइस, और ये होल्डर होल्डर का काम उसी में यूज होगा, बट वो आपको बनने के बाद ही दिखाऊंगा कैसा बन रहा है। फिलहाल अभी तो मैं इस पर फेविकॉल लगा रहा हूँ, तो लगा के मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम सबसे नीचे आ चुके हैं, फिलहाल अभी हम बैठ के कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं पीछे, और इधर लैपटॉप पे भी काम चल रहा है साथ के साथ। अभी मतलब टाइम हो चुका है 5:30, और आधे घंटे का ही काम हो रहा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 15-20 मिनट का तो है ही है। तो इतने हम कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी 6:15 बजने वाली है, लैपटॉप का वर्क ऑलमोस्ट डन हो चुका है, हो गया ना हर्षित और मंथन? हाँ भाई हो गया। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय ऑल्सो। बाय हर्षित। बाय लोगो। तो चलो गाइस चले वापस घर पे। तो ओके। अरे भाई कैमरा, ओ भाई, अरे भाई हेलमेट तो ले जा। थैंक यू सो मच ब्रो। मिलते हैं ब्रो। तो गाइस हेलमेट डाल लिया है, अब चलते हैं घर पे। हेलमेट डालना भी ज़रूरी होता है गाइज, सेफ्टी मैटर्स करती है पहले। और एक तो ये रॉयल इनफील्ड वालों की सबसे बढ़िया चीज़ तो मेरे को ये लगी, जो हेलमेट उन्होंने इतना सुपीरियर क्वालिटी का दे दिया, इतना कंफर्टेबल है, सही है। बट ओके बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइज मैं घर पे वापस आ चुका हूँ, और घर पे आया ना गाइज लाइट चली गई है। लाइट जाने का रीज़न, अब जैसे उस दिन उस खंभे पे चढ़े हुए थे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, आज गली में खंभा ही गिर गया। तो पापा तो अभी वहीं पे हैं, मैं भी सोचता हूँ चला जाऊँ और दिखाता हूँ गाइस, पूरी बड़े वाली मशीन आई हुई है खंभे को लेके खड़ी हुई है। चलो चलते हैं, जल्दी से दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैं रुकेगा, तो गाइस मैं गली में से पापा पास जा ही रहा था, और इधर छोटे से सब्सक्राइबर मिल गया, कहता भैया व्लॉग में आना है। हेलो गाइस। हेलो, चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ बस अब गाइस छोटे बच्चे की बात तो मान जाओ। देखो गाइस ये तारे जो सारी लटक रही है ना, जो खंभा टूट गया ना उसके कारण लटक रही है, आपको आगे दिख रहा होगा ये सारी तारे बड़ी बड़ी मोटी। तो अभी चलो बिजली काट रखी है, देखो सारी तारे गली में लटकी हुई हैं, और पूरी मोटी मोटी तारे हैं, और वो सामने से खंभा टूट गया, देख रहे हो? पास से दिखाता हूँ अभी आपको। देखो गाइस कैसे टूटा हुआ बड़ा खंभा, एक साइड झुक गया, और उधर पापा बैठे हैं, ठीक है? चलो हम भी चलते हैं पापा पास, और शायद ये देखो कैसे कैसे मशीनें आई हुई है गाइस। और गाइस ये अब खंभे पे वर्क होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इस एक खंभे के कारण पूरी कॉलोनी की लाइट कटी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब ये खंभा ही उखाड़ देंगे मेरे को लग रहा है बाहर, ये पहले चैन से बांध के, और देख रहे हो ये खंभा गिराएंगे। अब गाइस देखना कैसे गिरेगा, ये चैन से बांध दिया। गाइस मजबूती देखो, मजबूती खंभे की मजबूती देखो गाइस, पता नहीं टूट कैसे गया, ऊपर से हिल ही नहीं रहा। तो गाइस अभी फिलहाल मशीन से तो बात बनी नहीं, अब खड्डा खोद रहे हैं यहाँ पे, जब ही जाके कुछ होगा। अब चलो करने देते हैं इनको, हम चलते हैं वापस, इसमें तो टाइम लगेगा, पापा खड़े ही हैं, हम चलते हैं। तो फाइनली गाइस खंभे को तोड़ना ही पड़ गया, तो गिरा दिया गली में खंभा सारा। बस अब ये दूसरा खंभा भी पीछे आया हुआ है, इस ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर खड़ा दूसरा, लगा देंगे, हम चलते हैं वापस घर पे। तो वापस आ चुका हूँ गाइस मैं घर पे, और गाइस लाइट के कारण ना एक तो गर्मी हो गई है फिर से बहुत ज़्यादा, और पंखे के नीचे खड़े हो रहा पड़ रहा है। और अभी का सीन कुछ ऐसा गाइस कि ना तो वाईफाई चल रहा है और ना ही लाइट है। वाईफाई की जहाँ पे जो उनसे खंभा टूटा है ना, उसी खंभे से पूरी कॉलोनी पे, मतलब एक कोई खंभा टूटे उसी से सारे कनेक्शन होते हैं। तुम्हारे वाईफाई वाले का भी ना, मतलब वहीं से वायर आ रही थी, तो वो वायर भी नीचे गिर चुकी है एकदम। मम्मी पता नहीं क्या बना रही है, आपको मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से लग रहा है, बट कोई नहीं हो जाएगा ठीक। ना तो वाईफाई चल रहा ना कुछ, पता नहीं रात तक बस लाइट आ जाए, और सुबह व्लॉग भी अपलोड करना है, देखेंगे गाइस जैसे होगा। तो गाइस ये रहा भाई,
गाइस अभी हम फिलहाल जूस पी रहे हैं और ये अभी गाइस विसर्जन करके आया गणपति पप्पा का और डायरेक्ट मेरे पास आ गया है। मैं चलो ठीक है बढ़िया हो गया गाइस कह रहा आप भी पी लो तो गाइस देखो इधर रात हो मतलब 8 बजने वाली है और नया खंबा खड़ा कर दिया आके और अभी देखो जो भैया सामने खड़े हैं ना ये अभी पता नहीं कैसे चप्पले डाले बैठे देखना ये खंबे पे चढ़ेंगे चप्पले देखो इनकी कैसी हैं मतलब पूरी कॉलोनी इस समय बाहर आ चुकी है और आरती में भी गाइस मेरे को थोड़ा लग रहा है कि नहीं हो पाएगी शायद तो अभी देखो ये भैया कैसे चढ़ेंगे ऊपर ये अपनी चप्पलों से देखना गाइस देखो गाइस देखो भाई साहब देखो गाइस देखो कैसे चढ़े जा रहे हैं भैया ना बिल्कुल आसानी से जिस तरह इनके लिए सीढ़ियाँ हो देख रहे हो चढ़ के गाइस अंधेरा हो चुका है ना गाइस इसलिए लाइट दिख नहीं रही मतलब भैया दिख नहीं रहे फ्लैश जलाऊंगा तो वो भी नीचे तक ही रहेगी तो गाइस अभी रात के 10:45 हो चुकी है और हमारी लाइट अभी तक नहीं आई है ये मासी और की पता नहीं कैसे लाइट है इनके कौन से फेस से जुड़ी हुई है मैं तो इधर ही बैठा हुआ हूँ अभी और हमारी लाइट को भी अभी आने में कह रहे हैं 1 घंटा लग जाएगा मतलब 10:45 तक ही आएगी तो फिलहाल अभी थोड़ी देर तो यहीं बैठा हूँ इनका ऐसी उसी चल रहा है कमरा पूरा चिल्ड हुआ पड़ा है ममा और तो अभी बाहर ही हैं मैं साइलविया पास आ गया था और साइलविया कह रहे हैं सुबह कहाँ चलना पार्क 5:30 बजे ठीक है पहले लाइट तो आए जब तो सुबह जल्दी उठेंगे हाँ डेली जाते हैं गाइस तो गाइस अभी रात के 11:25 हो चुके हैं और लाइट अब तक नहीं आया है और हम मासी घर बैठे हैं एक तो मासी ना हमें पता नहीं रात को 11:30 बजे रोटी हम सबसे खा ली ये देखना ये कोल्ड ड्रिंक का चस्का क्या चढ़ा है सॉरी हम बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं साहिल भैया तो डाइटिंग पे चल रहे हैं है ना साहिल भैया 4 बैग और मासी भी मासी कह रही है मैं बोतल में से पीऊंगी मैं चलो ठीक है बोतल में से पी लो पीछे अंकल बैठे हैं सारे गाइस मासी की बता देना फोटो कैसी आ रही है अच्छी आ रही है ना ठीक है सो आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना क्या कर देना कमेंट और जो भी मेरा भाई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर भी आके फॉलो करते जाना इट्स आरपी तो ऑफिशियल हैंडल आएगा तब तक के लिए और थोड़े दिन में फेसबुक पे भी आ रहा हमारा भाई तो फॉलो करो ठीक है तब तक के लिए बाय बाय।